कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आज जेके का की जो कॉल है 25 और 26 सितंबर की दो दिन की जो प्रोटेस्ट पूरा जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेकर कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा, क्योंकि जो मांगे हमने 9 तारीख के प्रोटेस्ट के लिए रखी थी वो अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई, वो मांगे नहीं है। लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को सुधारने की लड़ाई, जम्मू कश्मीर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें जो वैकेंसीज हैं 7,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कैडर की और 4,000 से ज्यादा टेक्निकल कैडर की वैकेंसीज खाली होने की वजह से हम जो है क्लचेस पे काम कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं इस टाइम स्ट्रेस्ड हैं, 20-20 फीडर एक एक आदमी संभाल रहा है, एडब्ल्यू जो है दो तीन तीन सब डिविजन संभाल रहे हैं, एक्सएन जो है जम्मू के कठुआ भी जा रहे हैं, विजयपुर भी जा रहे हैं, पुंछ भी जा रहे हैं, हमारे लोग एडिशनल चार्ज सिस्टम पे इतना काम कर रहे हैं कि चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को आप चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन का भी चार्ज दे दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वो आदमी जो है पब्लिक डीलिंग करेगा, पब्लिक को अपील सुनेगा उनकी, या वो ट्रांसमिशन के दफ्तर में जाएगा। तो पब्लिक ग्रीवेंसेस अगर एड्रेस नहीं होगी, ये पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाने फिर से जा रहे हैं, और हमने जो ऑलरेडी नोटिस गवर्नमेंट को सर्व किया है वो 25 और 26 सितंबर का किया है। मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट तक हमारी ये बात पहुंचाएं कि इस नौबत को आने ही ना दें, और ये इश्यू जो है एक ढांचा सही करने के लिए किए जा रहे हैं, इसमें एक रुपए का भी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं।